हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं RARP प्रोटोकॉल, दैट मींस रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल क्या कर रहा था? IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग MAC एड्रेस फाइंड आउट कर रहा था। यहाँ पर रिवर्स ARP है, इसका मतलब है यहाँ पर MAC एड्रेस अवेलेबल होगी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें IP एड्रेस को फाइंड आउट करना होगा। होस्ट के पास अपनी MAC एड्रेस होगी और वो अपनी IP एड्रेस को फाइंड आउट करना चाहता है, उसे अपनी IP एड्रेस नहीं पता है। तो होस्ट क्या करेगा, माय मैक एड्रेस इज दिस, ये मैक एड्रेस है उसकी, वो भेजेगा आई एम लुकिंग फॉर माय IP एड्रेस। तो होस्ट क्या कर रहा है, अपनी मैक एड्रेस बता रहा है, मैक एड्रेस रिक्वेस्ट में भेज रहा है और ये फाइंड आउट करना चाहता है कि उसकी IP एड्रेस क्या होगी। तो ये भी जो है रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होगी और ब्रॉडकास्ट होके RARP सर्वर के पास जाएगी और RARP सर्वर जो है वो सभी कंप्यूटर्स की मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस को मेंटेन करके रखता है। तो RARP रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट हुई, ब्रॉडकास्ट होने के बाद RARP सर्वर होगा वो उसकी IP एड्रेस रिप्लाई में भेज देगा। तो यहाँ पर RARP रिप्लाई क्या है, यूनिकास्ट है, यानी कि डायरेक्ट उस होस्ट के पास ही जो है ये IP एड्रेस पहुँचेगी, बाकी होस्ट के पास ये IP एड्रेस नहीं जाएगी। तो RARP सर्वर ने उसकी IP एड्रेस उसको भेज दी एज ए रिप्लाई में और वो जाके किसके पास पहुँचेगी, सिर्फ होस्ट के पास, इन कंप्यूटर्स के पास नहीं जाएगी। यहाँ पर जब होस्ट अपनी IP एड्रेस फाइंड आउट करना चाहता है तो अपनी रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करता है और जब RARP सर्वर उसको रिस्पॉन्स भेजता है, उसके IP एड्रेस भेजता है, ट्रांसमिशन होता है वो यूनिकास्ट होता है, वो डायरेक्टली सिर्फ होस्ट को ही मिलेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। तो RARP क्या करता है, उसे हम मैक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और वो आउटपुट में IP एड्रेस प्रोवाइड करता है उस होस्ट की। इट इज़ यूज्ड व्हेन डिवाइस डज नॉट नो इट्स ओन IP एड्रेस। तो जब किसी होस्ट को, किसी डिवाइस को अपनी IP एड्रेस नहीं पता होती है तो उस केस में यहाँ पर RARP का यूज़ होता है। और RARP ओरिजिनली डेवलप फॉर डिस्कलेस वर्क स्टेशन। तो RARP ओरिजिनली उन वर्क स्टेशन, उन कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था जिनमें डिस्क नहीं थी। तो डिस्क नहीं थी तो उनके IP एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते थे IP एड्रेस को। तो IP एड्रेस को स्टोर किया जाता था एक सेपरेट सर्वर बना के कि इस मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस क्या होगी डिवाइस की। रिवर्स ARP इज़ ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज बाय ए क्लाइंट मशीन इन ए लैन टू रिक्वेस्ट इस IP एड्रेस फ्रॉम द गेटवे राउटर्स ARP टेबल। रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ही है जो क्लाइंट मशीन यूज़ करती है लैन पे अपनी IP एड्रेस को रिक्वेस्ट करने के लिए गेटवे राउटर्स ARP टेबल से। The network administrator creates a table inside RARP server in the router to map the MAC address to corresponding IP address. और जो network administrator होता है वो एक table create करता है RARP server पर जो कि एक router में होता है, ये map करने के लिए कि किस MAC address के corresponding कौन सी IP address होगी। When a new machine is set up or any machine which do not have memory to store IP address, it can dynamically find IP address when hardware address is known. तो जब कोई नई मशीन सेटअप की जाती है या ऐसी कोई मशीन जिसके पास मेमोरी नहीं होती है IP address को स्टोर करने के लिए, तो उस केस में वो जो मशीन है वो अपनी IP address को dynamically find कर सकती है, यानी कि जब भी उसको requirement होगी IP address की वो find out कर सकती है, क्योंकि उस मशीन को हार्डवेयर एड्रेस तो पता ही होगी। तो उस हार्डवेयर एड्रेस को किसी भी टाइम अपनी IP एड्रेस को फाइंड आउट कर सकती है RARP प्रोटोकॉल को यूज़ करके। सेंडर ब्रॉडकास्ट या RARP रिक्वेस्ट सप्लाइंग इट्स फिजिकल नेटवर्क एड्रेस इन द टारगेट हेडर एड्रेस फील्ड। तो सेंडर क्या करता है, फ्रेम के हेडर एड्रेस फील्ड में अपनी फिजिकल यानी कि मैक एड्रेस ऐड करके उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है नेटवर्क पे। Only machines authorized to supply the ARP service, that means RARP server, process the request and send a reply filling in target IP address. तो जो machines authorized होंगी RARP service को provide करने के लिए, supply करने के लिए, जैसे RARP servers होते हैं, तो वो उसकी request को process करेंगे और जो frame होगा उसके target address field में IP address को add करके वापस से उसे reply कर देंगे उस मशीन को जिसने ये रिक्वेस्ट सेंड की है।